ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं जहां आज कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस पर नागपुर में मेगा रैली का आयोजन किया गया है। रैली की थीम है तैयार हम। आपको बता दें कि रैली के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। RSS के मुख्यालय नागपुर में रैली आयोजित कर कांग्रेस साफ तौर पर सीधे मुकाबले का संदेश दे रही है। रैली में जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। रैली में CWC, AICC के साथ ही देश भर से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ से भी करीब 25,000 कार्यकर्ता के जुटने की उम्मीद है। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस पर आज महाराष्ट्र के नागपुर में महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली में छत्तीसगढ़ से भी भारी तादाद में कार्यकर्ता शामिल होंगे। रैली में कार्यकर्ताओं को जुटाने की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी। नागपुर में आयोजित है तैयार हम रैली में देश भर के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे दिग्गज रैली में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से भी पूर्व CM भूपेश बघेल, कांग्रेस के सभी पूर्व मंत्री, विधायक, PCC के पदाधिकारी समेत 25,000 कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। रैली की तैयारी को लेकर बनाई गई समिति की बैठक समन्वयक मोहम्मद अकबर शिव डहरिया की मौजूदगी में हुई, जिसमें विधायकों और जिला अध्यक्षों को टारगेट दिया गया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को बस और ट्रेन के जरिए नागपुर ले जाने की व्यवस्था की गई है। महारैली को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में गिरावट आई है। चुने हुए सांसदों को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। ऐसे में प्रजातंत्र की रक्षा नागपुर की रैली में की जाएगी। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जो नागपुर में जो रैली निकाली जा रही है, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, यहाँ की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए, वो सराहनीय पहल है। और छत्तीसगढ़ से भारी तादाद में लोगों की जाने की तैयारी है। आप भी जा रहे हैं समर्थकों? जी बिल्कुल जाएंगे। और हमारे लगभग सभी पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, संगठन के पदाधिकारी, सभी लोगों के जाने की सूचना मिल रही है और सभी लोगों को जवाबदारी भी दिया गया है। कांग्रेस की रैली पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की पदयात्रा का हश्र हमने देखा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली। कांग्रेस को इस महारैली का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस की यात्राओं का हश्र हमने पहले भी देखा है। थोड़े दिन पूर्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकली थी और उसके बाद 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव। राजस्थान कांग्रेस से हाथ से चली गई, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से चली गई और इसलिए कांग्रेस पार्टी के यात्राओं का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता से दूर हो गई है। कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने की तैयारी में है। वहीं भाजपा तंज कस रही है। बहरहाल 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अब है तैयार हम महारैली से कांग्रेस लोकसभा चुनाव में वापसी कर पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जशपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दोपहर 2 बजे जशपुर पहुंचेंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रोड शो करते हुए कुनकुरी विधानसभा स्थित अपने निवास बकिया पहुंचेंगे और क्षेत्र की आम जनता से मुलाकात कर रात्रि विश्राम करेंगे। जशपुर जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।
कि हमारे जसपुर जिला के माटी पुत्र है, देश के मुखिया है, देश के मुख्यमंत्री हैं। आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जसपुर जिला आगमन हो रही है, तो जाहिर सी बात है बड़े हर्षोल्लास के साथ सब लोग अपना अपना चंदा करके तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का हम लोग हर्षोल्लास के साथ बड़े धूमधाम के साथ स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी की बैठक कल जिला कार्यालय में हुई और हमारे लिए, जसपुर जिले के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कद्दावर नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, उनको छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में ये हर्ष का पूरा माहौल है और ख़ासकर जसपुर में तो उनका